यू आर हार्टली वेलकम ऑन एक बार फिर से रिव्यू। मैं हूँ रहमत दिल्ली से और आज मैं रिव्यू कर रही हूँ अमूल प्योर घी को लेकर, और आपको बताने वाली हूँ कि इसका टेस्ट, इसका एरोमा, इसका टेक्सचर कैसा है और खाने में ये कैसा लगता है। साथ साथ मैं इसका कंपैरिजन करने वाली हूँ आशीर्वाद घी से, जो कि मैंने कुछ दिन पहले यूज़ किया था, और मुझे वो दोनों घी में कौन सा घी अच्छा लगा ये मैं आपको बताऊँगी। तो बने रहिए पूरे वीडियो को लास्ट तक, देखिए बहुत कुछ दिखेगा आपको। और मैं पराठा बनाकर इसे टेस्ट करने वाली हूँ। तो ये अमूल घी का डब्बा है आधा किलो का, और ये इसका प्राइस है MRP 255 है, जो कि मुझे शॉप वाले ने 245 रुपीज़ में दे दिया था, क्योंकि उनके यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ सामान लेना होता रहता है, तो उन्होंने प्राइस कम कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप उनके कितने अच्छे कस्टमर हैं, तो उस हिसाब से ऐसे इसका MRP 255 है। तो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया ग्लास जार बॉटल में, और अब मैं बनाने वाली हूँ पराठा। और पराठा बनाने के बाद मैं इसे ट्राई करूँगी कि इसका टेस्ट कैसा लग रहा है। जैसे कि अमूल एक रिनाउंड कंपनी है, एक रिनाउंड ब्रांड है, तो इसका जो घी है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मेरी वैसी थिंकिंग है कि अमूल द ग्रेट, तो वो खाकर ही पता चलने वाला है कि ये किस तरह का आएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी पराठा बेल ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा लगा मुझे, और आशीर्वाद घी से ये ज़्यादा बेटर है या आशीर्वाद घी ही बेटर है, क्योंकि मैंने दोनों अभी रिसेंटली यूज़ किया है। और आशीर्वाद घी पर भी रिव्यू वगैरह मैंने अपने चैनल पर डाल रखा, मुझे तो वो घी बहुत पसंद आई थी। लेकिन अब कंपैरिजन होने वाला है ये अमूल घी से, कि अमूल घी ज़्यादा अच्छा है कि अभी जो न्यूली बेस्ड जो ब्रांड आया है आशीर्वाद, उसका घी अच्छा है। तो यहाँ पर मेरा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और पराठा चाय के साथ खाइए आप, और उससे जो घी का जो टेस्ट पता चलता है ना, वो बहुत ज़्यादा सही से पता चलता है। या आप किसी सब्ज़ी के साथ बनाकर खाइए। तो यहाँ पर आज मैं सब्ज़ी के साथ बनाकर इसे टेस्ट करूँगी कि इसका टेस्ट कैसा है, और ऐसे भी मैंने मीठा भी इसका बनाकर खाया था। तो यहाँ पर मेरा प्लेट रेडी है, और मैंने ले लिया है ये ढाबे वाली आलू की सब्ज़ी और आम का मीठा अचार। आम का मीठा अचार का रेसिपी मेरे चैनल पर डाला हुआ, आप जाके देख सकते हैं। और चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि अमूल का जो घी है वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है उसका इन्हांस टेस्ट, बहुत रिच अरोमा ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे अच्छा तो मुझे आशीर्वाद का ही घी अच्छा लगा था, और जैसा कि ये बहुत रिनॉन्ड ब्रांड है, उस हिसाब से घी नॉर्मल सा है। तो इसको मैं 100 में 70% ही दूंगी, और आशीर्वाद घी को मैं 100 में 85% दूंगी। तो ये था मेरा रिव्यू, कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। टिल देन, बाय बाय।